हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंजल और मेरी चैनल पे स्वागत है आपका। आज का जो वीडियो है एक अनदर 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 बैग हॉल वीडियो है। इसके पहले बहुत सारे वीडियो किए हैं मैंने बैग हॉल के, तो बहुत सारे किए हैं क्योंकि बैग हॉल के जो वीडियो है उस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे बहुत मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने बहुत सारे किए हैं, तो आप देखते रहिएगा। और मेरी चैनल पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी की जो वीडियो की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर एक दो रह जाते हैं तो आप मेरी चैनल को चेकआउट कीजिए और हर टाइप के हॉल्स आपको मिल जाएंगे, प्रोडक्ट रिव्यू भी आपको मिल जाएंगे। और ये जो सारे हैं मैंने अमेजोन से बाय किए हैं, बहुत 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 अफोर्डेबल प्राइस में बाय किए हैं। उसकी बाइंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाके बाय करने में इंटरेस्टेड है तो जाके बाय कर सकते हैं। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर इग्नोर प्लीज इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स डे चल रहा है, पूरे दिन चलने वाला है, सुबह के 7 बजे से रात के 10 बजे तक स्पीकर माइक वगैरह है, तो थोड़ा थोड़ा आएगा, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। मेरे से जितना हो सका मैंने डोर विंडो वगैरह बंद कर दिया है, लेकिन थोड़ा फिर भी आता है क्योंकि स्पीकर माइक वगैरह होते हैं तो लाउडली आता ही है, और मुझे रोज वीडियो बनाने होते हैं तो मैं मजबूर थी, आदत से मजबूर हूँ। सो प्लीज सॉरी गाइज। और अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बैग है इस तरह का है, 10 कलर का है, और इस तरह का इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है। आप देखो, बहुत 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 अफोर्डेबल प्राइस में लिया है। किसी की ब्रांड किसी की प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे आपको दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह दिखता है, क्लोजअप में देख लो आप। और इस तरह की यहाँ पे पेटर्न दी है, ये पेटर्न नहीं है एक्चुअली में, यहाँ से टाइट लूज होता है, दोरी है ऐसे। और दूसरे भी आप देख लो, साइड में से इस तरह का है और नीचे से भी इस तरह का है। बहुत सारा सामान आ जाएगा। यहाँ जिप नहीं दी है गाइस, यहाँ ऐसा बटन दिया है, ये ओपन करना है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बटन है, प्रोडक्ट्स मतलब हमारी चीजें जो हम रखेंगे वो गिर जाएगी। नहीं, इसमें जिप नहीं है तो भी नहीं गिरेगी। क्यों मैं दिखाती हूँ, ये जो है वो पेटर्न के लिए नहीं दिया गया है, ये है वो यहाँ से टाइट लूज करने के दिया गया है। यहाँ से ऐसे आपको टाइट करना है, आप टाइट करोगे तो पूरा पैक हो जाएगा इस तरह का, तो बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। छोटी सी छोटी चीज होगी ना, कॉइन वगैरह भी अगर आप डालोगे तो नहीं गिरेंगे, यहां से पूरा टाइट हो जाएगा। यहां से आप खींचोगे ना, कहां गया यहां से आप खींचोगे ना तो टाइट हो जाएगा, तो नहीं गिरेगी। जिप नहीं है फिर भी नहीं गिरेगी। अगर आप लेना चाहते हो तो देखो, ऐसे ब्रॉड भी हुआ और ऐसे पूरा है। अंदर का जो फैब्रिक है इस तरह का है, और आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉकेट दिया है, जीप के बिना का दिया है, खुला पॉकेट दिया है छोटा सा। ब्लैक है, हाँ आप दिखा, ब्लैक है तो शायद जल्दी नहीं दिखेगा, देखो ये वाला यहाँ पे। और ये वाला जो है एक जीप वाला छोटा कंपार्टमेंट दिया है, जिसमें आप छोटी छोटी चीजें रख सकते हो। ये 1 कंपार्टमेंट वाला है, लेकिन हाँ छोटी छोटी जो चीजें होती है वो ये जीप वाले में, और ये जो आगे दिया है जीप बिना का, उसमें आप इजीली रख सकते हो। और सीलिंग बैग भी बोल सकते हैं हम इसको, बहुत बढ़िया है इसका बैग, आप ऐसे ही इसे कैरी कर सकते हो शोल्डर पे लटका के। और मुझे पसंद आया है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने एक सेकेंड, हाँ प्राइस लिखी है नहीं लिखी है, यहाँ पे तो नहीं लिखी है, लेकिन ऐसा उन्होंने प्राइस टैग दिया है, यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन प्राइस टैग दिया है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे देती हूँ आपको, पहला वाला ये है, दूसरा वाला जो है वो ब्लैक कलर का है। ब्लैक भी 10 कलर के जैसे ही यूनिवर्सल कलर है, तो हर किसी में जाता है। ये वाला भी अफोर्डेबल प्राइस में है, साथ में कॉम्बो है। आप लोगों को कॉम्बो ज्यादा पसंद आते हैं तो मैं कॉम्बो ज्यादा सिलेक्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे ब्लैक कलर का है, ये बिग साइज है, और जिन लोगों को बिग साइज चाहिए उनके लिए है ये वाला। और इस तरह का है इसका बेल्ट, और दूर से इस तरह का दिखता है, आप देख लो पहले, और क्लोजअप में इस तरह का है, यहाँ से ओपन होता है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें 2 कंपार्टमेंट है जिप वाले, 1 एंड 2, खोल के दिखाती हूँ आपको मैं, ताकि आपको स्पेस का भी पता चले, अंदर का फैब्रिक है, अंदर पॉकेट है या नहीं है, सारी डिटेल आपको बताती हूँ खोल के। ये पहला कंपार्टमेंट है, अंदर का जो फैब्रिक है वो मैं बता दू, सो है गाइस। अंदर का जो फैब्रिक है थोड़ा चीप लग रहा है मुझे तो, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में, इतने प्राइस में है तो ठीक है, लेकिन चीप लग रहा है मुझे, तो आपको थोक मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये जो है वो दूसरा कंपार्टमेंट, और ये जो है जीप वाला थर्ड छोटा सा कंपार्टमेंट, ठीक है। तो उसमें छोटी 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 चीजें आप रख सकते हो, इस तरह का छोटा सा कंपार्टमेंट है। ये वाले का मटीरियल थोड़ा लो क्वालिटी है कंपेयर टू अदर, तो
अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर बोलना मत कि नहीं बताया था। ये पीछे एक पॉकेट दिया है वो इस तरह का है, उसका फैब्रिक इस तरह का है, जैसे अंदर दिया है वैसे ही पीछे दिया है। सो बिग साइज है, अफोर्डेबल है, बट सो सो है। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। मेरी तरफ से 50-50 है, बिग वाला यस नहीं है इस बार। इसके साथ क्लच दिया है, वो बहुत अच्छा दिया है। कैजुअल है, ब्लैक कलर का है, बहुत स्टाइलिश है। मीडियम साइज का है, छोटा नहीं है या बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम बोल सकते हैं। और लाइट वेट है, ब्लैक कलर का है तो हर किसी के साथ जाता है। और ये ग्लोसी टाइप है, देखो सिमर ग्लोसी जो बोलते हैं वो टाइप का है। और यस यहाँ से खुलता है, ऐसा पैटर्न नहीं है, पैटर्न तो है ही बेल्ट वाला, लेकिन खुलता है मैग्नेट वाला है, चिपक जाता है, मैग्नेट है, देखो अपने आप चिपक जाता है इस तरह का। और यहां से जिप को ओपन करना है। ओ माय गॉड, ये तो टूट गया, खोलने से ही टूट गया, बोला था ना 50-50 लग रहा है मुझे। सो इग्नोर कीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि लेना चाहिए। पहली बार में जीप अगर टूट जाती है तो कोई मतलब नहीं बनता है। इस तरह का फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे फोर कंपार्टमेंट है। मुझे गाइस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, देखो यहां से टूट गया, अब जीप कैसे बंद करने की क्लच वाला जो है उसकी। मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस होता है गाइस तो ही मैं आपको बताती हूँ, देख के ही मुझे चीजों का पता लग जाता है, क्योंकि इतने हॉल्स किए हैं और ऑलरेडी मैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी शॉपिंग करती हूँ और मुझे बहुत एक्सपीरियंस होता है। हर टाइप का मैं चुन चुन के लेती हूँ, मैं ऐसी बंदी बिल्कुल नहीं हूँ, या फिर चीप ले लूँ या फिर बहुत ब्रांडेड में देखूँ। मुझे तो चाहिए तो सारी तरह से अच्छा चाहिए, एक तो अफोर्डेबल भी चाहिए, साथ में क्वालिटी भी मेंटेन हो, वैसे ही चीजें मैं बाय करती हूँ, चाहे क्लोथ्स हो चाहे बैग्स हो कुछ भी हो, हर टाइप का सोच के ही मैं तो लेती हूँ कि भाई 6 महीना 1 ईयर तो चलना ही चाहिए, नहीं तो कोई काम का नहीं है। तो मैं जब यस बोलती हूँ तो गाइस यस ही होता है, तो आप ले सकते हो, मुझ पे ट्रस्ट करके ले सकते हो, क्योंकि ये सारे मेरे घर के पैसे के हैं, स्पॉन्सरशिप बिल्कुल भी नहीं है, तो जो होगा वो ऑनेस्ट रिव्यू दिल से ही निकलेगा। ये जो है उसके बाद है, ये वाला भी मुझे बहुत पसंद आया, बहुत स्टाइलिश है, क्यूट सा है, इसकी पैटर्न मुझे बहुत पसंद आई। ये ब्राउन कलर का है, अगेन 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 एंड अगेन ब्राउन कलर एंड टैन कलर वो मैं ज्यादा लेती हूँ। और आपको अगर कोई पर्टिकुलर कलर देखना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि हाँ हमें व्हाइट देखना है, हमें रेड देखना है, येल्लो देखना है, वो भी मैं ट्राई करूंगी। वैसे तो मैं करती हूँ हर कलर का ट्राई, लेकिन इतना अच्छा मिलता नहीं है, हर कलर में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता नहीं है। फैन ऑफ है सो पसीना आ रहा है, इसके ब्रांड का लोगो यहाँ पे दिया है, क्योंकि फैन ऑफ रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत आवाज आती है, तो बहुत सारा पसीना निकल रहा है, अभी गर्मियां चल रही है तो, बट वो सब इग्नोर कीजिएगा आप लोग। आगे ऐसा टेसल दिया है, दो दो टेसल जैसी पैटर्न दी है, अरे वाह देखो। और ऐसा बेल्ट है, खोल के दिखाती हूँ आपको, कभी कभी थोड़ी थोड़ी कॉमेडी भी करनी चाहिए, लोग बोलते हैं आपका वीडियो बोर होता है, तो चलो हंसा देती हूँ आपको। यहाँ से ओपन होता है, सबसे पहला तो ऐसा बटन दिया है, और उसके बाद ये भी कॉम्बो में है, और इसके बाद जिप भी दी है, सो डोंट वरी कि कोई सामान गिर जाएगा, ओनली बटन वाला नहीं है, जिप है। लेकिन इसमें तीन कंपार्टमेंट है, आप देखो ये वन, तो उसका अंदर का फैब्रिक है वो ब्लू वाला है, इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिया देता होगा, लेकिन जितना हो सकता है मैं ट्राई कर रही हूँ। ये दूसरा वाला कंपार्टमेंट, दो आगे का और पीछे का जो कंपार्टमेंट है उसमें जिप नहीं दी है, पिछले वाले में दी है, ठीक है, तो आगे पीछे में नहीं दी है, बीच वाला है उसमें दी है। और उसमें जो पेपर्स है वो निकाल देती हूँ, स्पेस का पता चले, बड़ा है गाइज, ये मीडियम साइज का बोल सकते हैं, मीडियम टू लार्ज बोल सकते हैं, इतना बड़ा है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, बाहर से भी अच्छी है, ऐसे भी अच्छी है, अंदर से भी फैब्रिक वगैरह अच्छा है, इसका फट नहीं जाएगा, देखो अभी दिखा शायद दिखा, इतना बड़ा है, ठीक है। और ये जो मिडल वाला जो जिप वाला है उसके अंदर भी एक जिप दी है, जिप वाला पॉकेट दिया है, तो तीन बड़े और एक जिप वाला करके अंदर चार हुए, ठीक है। और पीछे भी इतना बड़ा दिया है, इतना।
बहुत अच्छा है, स्टाइलिश है, कैजुअल भी ले सकते हो, और कलर तो क्या बोलना, लाजवाब है। तो यस, ये आप ले सकते हो। इसके साथ क्लच आया है, वो मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। पैक है, खोलना पड़ेगा। तो कहाँ से है, यहाँ ऊपर से सेलो टेप लगाई हुई है। एक सेकंड, खोलने में टाइम लग जाता है कभी कभी। स्पीडेक्स का है ये वाला, मतलब ये पूरा कॉम्बो जो है स्पीडेक्स का है, जो मैं बोलती हूँ हर बार, और मैक्सिमम जो जिस ब्रांड के मैंने हॉल्स किए हैं वो स्पीडेक्स है गाइस। इस तरह का है ये, जो है वो 10 कलर है, वो जो था वो ब्राउन कलर था, और मीडियम साइज का है, कैजुअल है, लाइट वेट है। यहाँ पे उन्होंने अपने ब्रांड का लोगो दिया है, और वन ये तो उन्होंने ऐसे ही रखा है, वन ये जीप वाला, टू ये, थ्री और ये, फोर और ये वाला, फाइव। वाह क्या बात है, फाइव कंपार्टमेंट है। ये वाला जो पीछे वाला है, वहां उसमें आप कार्ड वगैरह रख सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह भी आप रख सकते हो। तो बहुत अच्छा है ये वाला भी। मेरी तरफ से ब्लैक वाला था, मत खरीदिए, हो सके तो मत खरीदिए। चीप देखने में, प्राइस कम देखने में, हम लोग है ना क्वालिटी भूल जाते हैं गाइस। चाहे वो कुर्तियां हो, मतलब कुर्तीज का हॉल करते हैं वो हो, या फिर ये बैग्स हो, या कोई भी हो, तो वो मत सोचिए। आप 300 का पर्स लेंगे, ठीक है, वो एक बार दो बार यूज में टूट जाएगा, और आप 500 का जो पर्स लेंगे वो 6 महीने भी चलेगा, 1 साल भी चलेगा। तो आप लॉन्ग टाइम का सोचिए, क्योंकि आप 300 का लेके महीने में बंद टूट जाएगा, ऐसे देखा जैसे कि जिप टूट गई, तो आपको 1 महीने बाद दूसरा 300 का लेना पड़ेगा, तो आपको 300 प्लस 300 600 हो जाएंगे। लेकिन आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके 500 तक का लेते हैं, तो वो आपका लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो ऐसे देखने जाए तो आपके 100 रुपये की वैसे भी बचत हो जाती है। तो ऐसे सोचिए, जब भी लो तब क्वालिटी देखिए पहले। तो प्राइस तो ठीक है, अफोर्डेबल होनी चाहिए। इतनी भी चीज चीप प्राइस में आजकल कुछ नहीं मिलता है। आप लोगों को भी पता है कि महंगाई इतनी है। सो अफोर्डेबल हो तो अच्छा है, चीप में मत पड़ो, मेरा तो यही कहना है। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस। देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।